नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक बड़ी खबर। इस वक्त की आपको बता दें, सीधे लखनऊ आपको लिए चलते हैं। तस्वीरें वहां से आ रही है। आपको बता दें, डीजीपी दफ्तर के बाहर, बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव भी धरना दिए बैठे थे विधानसभा के बाहर। राजनीति अपने चरम पर है उन्नाव मामले को लेकर, और लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी? अभिषेक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें आपको हम बता दें, यहां पर बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस जबरदस्त हल्ला बोल रही है। यहां पर देखिए, बैनर पोस्टर लेकर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए हैं और एक तरह से लीड लेने की कोशिश। अब से थोड़ी देर पहले जो हमारे संवाददाता बता रहे थे, वो कह रहे थे जिस तरह से प्रियंका गांधी निकल चुकी है उन्नाव के लिए, कुछ कोशिश इसी तरह की समाजवादी पार्टी की भी रही, इसलिए धरना देने के लिए फौरन वो पहुंच गए विधानसभा के बाहर। थोड़ी देर धरना भी दिया, 11:40 पर अखिलेश यादव का धरना खत्म हो गया। सांकेतिक धरना था, सरकार पर वार किया, इस्तीफे की मांग की, मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा और उसके बाद धरना खत्म करके चल दिए। उन्नाव जाना चाह रहे थे लेकिन प्रियंका गांधी पहले ही निकल गई। इस बीच दूसरी तस्वीर जो सामने आई है, ये देखिए, पुलिस वाले पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर और कार्यकर्ताओं को यहां से हटाया जा रहा है। महिला कार्यकर्ता भी यहां पर आपको दिख रही होंगी कांग्रेस की, और लगातार इस पूरे मुद्दे को अब सियासी रंग देने की कोशिश भी की जा रही है। उधर जो आदित्यनाथ सरकार है, वो अपने तरफ से बयान दे चुकी है कि इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन इस बीच अब पूरी तरह से इस मामले में राजनीति हो रही है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, मोदी सरकार पर हमला बोला, साफ तौर पर कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो काफी बढ़ गया है। ये देखिए, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें, धरना देते हुए अखिलेश यादव अपने कुछ सहयोगियों के साथ और वहां पर पहुंचे। लेकिन ये देखिए, पूरी घटनाक्रम को अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर सांकेतिक तौर पर यह धरना था, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि उन्नाव के लिए 2 दिनों के अपने प्रवास पर थी लखनऊ में प्रियंका गांधी, खबरें आई उन्नाव निकल चुकी, दूसरी तरफ अखिलेश आकर बैठ गए धरने पर, 11:40 खत्म करके निकल गए। मुस्लिम को बच्चे नहीं चाहिए, जो हैदराबाद में कांड हुआ और जैसे उनको दौड़ा करके मारा गया, इन लोगों को या फांसी दी जाए या इनको दौड़ा करके गोली मारी जाए। अगर लड़की की जान गई तो उसकी भी जान जानना चाहिए, जल्दी से जल्द सजा होनी चाहिए। और हमारे 7 साल का संघर्ष का आज फिर एक बार हार हो गई, मैं एक बार फिर हार गई। उन्नाव केस को दिल्ली ट्रांसफर कराए, नहीं तो फिर इस बच्ची तो मर गई, इस बच्ची का परिवार को वहां के लोग खत्म करा देंगे। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, लखनऊ में धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ है, ये खबर सामने आई है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी? बताया जा रहा है कि लाठी चार्ज किया गया है इन कार्यकर्ताओं पर। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के सामने पहुंचे हैं, बाकायदा वहां धक्का मुक्की हुई है और ये लोग वहां धरने पर बैठ गए हैं। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के सामने सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर बैठे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से इस मामले का राजनीतिकरण हो चुका है। आज एक तरफ प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं उन्नाव, दूसरी तरफ अखिलेश यादव निकले सड़कों पर आए और अब उनके कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। इस समय बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने ये धरना चल रहा है, हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई है, लाठी चार्ज हुआ है और उसके बाद भी कांग्रेस बीजेपी दफ्तर के सामने फिलहाल ये सियासी दामा इस वक्त चल रहा है। आपको एक बात और बता दें कि दरअसल एक क्रेडिट लेने की होड़ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब इस मुद्दे पर आगे रखना चाहती हैं।
बीजेपी फिलहाल इस पूरे मामले में डिफेंसिव है। हालांकि बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम केशव मौर्य और साथ साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात रखी है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा और साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और वह दुखी हैं, व्यथित हैं। बावजूद इसके पूरे लखनऊ में इस समय इस पूरे मुद्दे पर सियासत अपने चरम पर है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बीजेपी दफ्तर के बाहर की लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से बैनर पोस्टर झंडे लेकर यहां पर पहुंच चुके हैं। तो नाव की पीड़िता को न्याय दो, बलात्कारियों को फांसी दो, यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और ये तस्वीर है लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी की। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, पुलिस हालांकि यहाँ पर पहुंच चुकी है, हल्का धक्का मुक्की भी यहाँ पर हो चुकी है, जो खबरें यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन इन सबके बीच जो डर था वही हो रहा है, राजनीतिकरण पूरे मामले का। क्योंकि अक्सर इन घटनाओं में यही देखा जाता है कि जो भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो लीड लेने की कोशिश करती है। और यहां पर यही देखने को मिला, बीजेपी दफ्तर के सामने यहां पर तमाम कांग्रेसी जो है बैनर पोस्टर झंडा लेकर पहुंच चुके हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच लखनऊ से रवाना हो चुकी है प्रियंका गांधी, उन्नाव थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। अब वहां से वो क्या बोलेंगी उसका इंतजार रहेगा। लेकिन वहां जाने से पहले बहुत कुछ कह चुकी है योगी सरकार के खिलाफ, कह चुकी है कि पिछले 11 महीने में 90 रेप के मामले सामने आ चुके हैं। क्या कर रही है सरकार? सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और ये देखिए धक्का मुक्की की तस्वीर है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, देखिए कार्यकर्ताओं को किस तरह से घसीट घसीट कर निकाल रहे हैं यहां पर पुलिस के, जितने भी यहां पर पुलिस मौजूद है और गेट के अंदर ये जाने की कोशिश कर रहे थे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। और पुलिस वाले ये देखिए किस तरह से इनका झंडा लेकर फेंक रहे हैं और थोड़ी धक्का मुक्की भी यहां पर हो गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट गए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, बैनर पोस्टर झंडा लेकर यहां पर पहुंच गए। और ये देखिए किस तरह से उन्हें घसीटते हुए बाहर किया जा रहा है पुलिस बल के द्वारा। अफसोसनाक है ये तस्वीरें भी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है इन्हीं सब बातों के बीच कहीं ना कहीं जो असली आवाज है, जो पीड़िता का परिवार है क्या चाहता है, उसे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, क्या इस तरह की घटनाएं दोबारा हमारे समाज में ना हो, उसके लिए कोई आवाज उठे, ये सारी आवाजें दब जाती है। लेकिन ये जो राजनीति है हमारे देश में वही चलती रहती है और इसी राजनीति की वजह से आज ये दुर्दशा है हमारे समाज की कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में लगातार हो रही है। क्योंकि जब भी ये मुद्दे उठते हैं इसी तरह से सुर्खियों में आने के लिए, लीड लेने के लिए, कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अपने तरीके से अपने हथकंडे अपनाती है, सरकार को दोषी ठहराती है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव भी कोस रहे थे सरकार को और कह रहे थे कि इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री, लेकिन उनकी खुद की सरकार जब रही थी तो उस समय में कितने तरह की घटनाएं सामने आई थी वो अलग है। लेकिन ये दो तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि अकेले एक यही घटना नहीं है, कि दुख इस बात का है कि पिछले कुछ वर्षों से और ख़ास तौर से वर्तमान जो सरकार चल रही है बीजेपी की, तो हमारी महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। तो और पूरे उत्तर प्रदेश में, मैंने कल भी ये बात कही थी, इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन महिलाओं के ऊपर बलात्कार की या बलात्कार करके उनको उनकी हत्या करने की या छेड़छाड़ की घटनाएं यूपी में नहीं होती हैं। वैसे तो पूरे देश के अंदर हो रही हैं लेकिन यूपी में तो अति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी का ये मानना है कि जब तक राज्य सरकारें पूरे देश में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में
तो आपराधिक जो तत्व हैं, महिलाओं का जो उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ समय से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो इस किस्म की घटनाएं आगे रुकेंगी नहीं। तो राज्य सरकार को चाहिए, यूपी गवर्नमेंट को, उनको सख्त कदम उठाना चाहिए और समय से जो आरोपित लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और केंद्र की सरकार को भी, इस समय पार्लियामेंट चल रहा है, नाव पहुंच चुकी है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, थोड़ी देर में मुलाकात करेंगी। एक तरफ लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी उन्नाव पहुंच चुकी है। ये देखिए पीड़ित परिवार जो हैं उनके घर पहुंच चुकी हैं प्रियंका, और यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगी, जानेंगे कि क्या चाहते हैं परिवार के लोग। प्रियंका लगातार सरकार को घेरती रही है इस पूरे मुद्दे पर और कहा कि जो करना चाहिए सरकार ने किया नहीं है। इस बीच परिवार के बीच प्रियंका गांधी, भैया आप किनारे रहो प्लीज, हटो। बड़े बड़े नेता जब भी पहुंचते हैं इन मामलों में तो एक आस बनती है परिवार को, लगता है कि शायद उन्हें न्याय मिलेगा, जल्द न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ परिवार के कुछ लोग भी यहां पर मौजूद हैं। ये देखिए एक महिला का हाथ पकड़कर प्रियंका गांधी आगे ले जा रही हैं, शायद ये परिवार की ही महिला सदस्य हैं जिन्हें आगे ले जा रही हैं और अलग से वो बात करना चाहती है क्योंकि यहां पर मीडिया का जमावड़ा है, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। शायद प्रियंका अलग से उनसे बात करना चाहती है, जानना चाहती है कि क्या हुआ था, किस तरह की बात थी, अब परिवार क्या सोच रहा है, परिवार क्या चाह रहा है, उनकी मांगे क्या है सरकार से, तमाम तरह की बात। और इस बीच तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए चारों तरफ से, हालांकि ये देखिए परिवार के सदस्य यहां पर मौजूद हैं और प्रियंका यहां पर बात करने की कोशिश कर रही है। देखिए अंदर की तरफ उन्होंने इशारा किया और अलग से वो मिलना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं परिवार के लोगों से। तो प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है उन्नाव यहां पर और लगातार यहां पर बाहर मीडिया का जमावड़ा, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता भी उनके साथ यहां पर पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश कि आखिर परिवार अब क्या चाहता है। लेकिन इस बीच राजनीति भी अपने चरम पर हो रही है, उम्मीद है कि इस पूरे मामले में राजनीति ना हो। हमारे संवाददाता नीलांशु शुक्ला हमारे साथ उन्नाव से बने हुए हैं। नीलांशु आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों में तो हम ये देख रहे हैं कि प्रियंका अंदर चली गई है परिवार की किसी महिला सदस्य के साथ और शायद अलग से वो बात करना चाहती हैं, मीडिया के सामने नहीं। जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवार से मिलने अंदर चली गई हैं और वे परिवार से अलग से बातचीत करना चाहती हैं। और प्रियंका के साथ साथ प्रमोद तिवारी भी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भी यहां पर आए हैं और यहां पर जो सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम किए गए हैं, उन्नाव के जिलाधिकारी भी यहां पर आए हैं और अभी प्रियंका अंदर मिलने गई हैं पीड़िता के पिता से, वे मुलाकात कर रही हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता उधर लखनऊ में भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर, कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। आप अपनी बात भी कहिए लेकिन साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप वहां की तस्वीरें भी हमें दिखाते रहे।
देखिए फिलहाल तो पुलिस ने हम लोग को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन जितना हम आपको दिखा पाए तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वे यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी बाहर खड़े हैं, साथ साथ उन्नाव जिले के जो अधिकारी हैं वे भी यहाँ पर आए हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा बंद कमरे में पीड़िता के परिवार से इस समय मुलाकात कर रही हैं। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम आपको बाहर का हाल दिखाएं तो पूरा गाँव यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो गाँव वाले हैं वे यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस भी आपको काफी भारी संख्या में यहाँ पर दिख रही है। कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वे भी यहाँ पर आए हैं और प्रियंका के आने की सूचना मिलते ही गांव में हलचल काफी तेज हो गई थी और लगातार जो गांव के लोग हैं वे यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। पुलिस की जो सुरक्षा है वह भी यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वे केवल यहीं नहीं मौजूद हैं, अभी बीजेपी मुख्यालय के बाहर लखनऊ में भी लगातार जो प्रदर्शन है वह जारी है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं को नेताओं को ये कहा है कि कल पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करें उन्नाव मामले को लेकर। तो लगातार जो विपक्ष है वह उस पूरी घटना को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। हालांकि जिस तरह के आरोप पीड़िता के पिता ने लगाए कि उन्होंने उनको कई बार धमकियां मिली जान से मारने की और पुलिस को इस मामले में उन्होंने कार्रवाई करने के लिए बोला था लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। परिवार ये भी कह रहा है कि जो जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह उनसे मिलने नहीं आए इस घटना के बाद और सरकार के भी किसी भी सीनियर मंत्री ने नेता ने उनसे संपर्क नहीं किया है और जो विपक्ष है वो उनके साथ लगातार संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो सरकार का रवैया रहा है वो बहुत ही संवेदनशील नहीं है और सरकार इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट में है। और एक बहुत ही दिलचस्प चीज हमने आज देखी, आपको बता दें कि 2017 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव को कभी हमने धरना प्रदर्शन करते नहीं देखा। वह लगातार ट्विटर पर सरकार को घेरने का काम करते हैं और अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन कराते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन आज वह खुद विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। तो एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मामले पर बैकफुट पर लगातार आती जा रही है। हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव, देखिए प्रियंका भी बाहर उस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे संवाददाता। शिवेंद्र, इस वक्त वहां पर प्रियंका परिजनों से मुलाकात कर रही हैं, बात कर रही हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? शिवेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शिवेंद्र से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी खास तौर पर उन्नाव यहां पर पहुंची हुई है पूरी तरह से और ये देखिए उस महिला का हाथ पकड़कर, आपको थोड़ी देर की पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, परिवार की ये सदस्य हैं और उनका हाथ पकड़कर वो अंदर ले गई प्रियंका गांधी और अंदर जाकर परिवार से अलग से उन्होंने बात करना मुनासिब समझा और अलग से वो बैठ करके अभी बातचीत कर रही हैं। तमाम यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। पहले से ही जानकारी थी प्रियंका के आने की और दूसरी तरफ लगातार जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो एक्टिव हो गए हैं लखनऊ में, जैसा कि आपने देखा, आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई। और ये देखिए घर के अंदर की तस्वीरें, जब प्रियंका अंदर जा रही थी परिवार वालों से मिलने के लिए। हाँ। नीलांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। नीलांशु, उम्मीद और कोशिश यही कि प्रियंका वहां गई तो जरूर है लेकिन सरकार पर दबाव इस बात का बने कि जल्द से जल्द न्याय मिले, पॉलिटिसाइज ना हो ये पूरा मामला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज सुबह एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर शोक व्यक्त किया है और परिवार को ये आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा और ये जो पूरा केस है इसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा। लेकिन जो परिवार है वह लगातार ये कह रहा है कि पुलिस ने इस पूरी मामले को लेकर काफी हिला हवाली की और इसी कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और परिवार लगातार सुरक्षा की मांग कर रहा था। जब मुख्य आरोपी जेल से
बेल पर छूटकर आया था तो लगातार वह पीड़िता को और उसके परिवार को धमकाने का भी काम कर रहा था, ऐसा पीड़िता के पिता ने आज तक से बातचीत करते हुए बताया। पुलिस ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और आखिरकार जब वह हेयरिंग के लिए रायबरेली जा रही थी तब उसको जिंदा जला दिया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और हमने पिछली बार भी कुलदीप सेंगर मामले में भी देखा था कि किस तरह से पुलिस ने लीपापोती करने की कोशिश की, कुलदीप सेंगर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और जब पीड़िता मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंची उसने आत्मदाह करने की कोशिश की तब पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था। और आपको ये भी बता दें कि कुलदीप सेंगर के भाई ने पीड़िता के पिता की हत्या कर दी थी तब ये मामला तूल पकड़ा था और पुलिस ने केस रजिस्टर करने के बावजूद भी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको सुचारू रूप से नहीं किया था, परिवार संतुष्ट नहीं था और आखिरकार उस मामले को भी सीबीआई को रिफर किया गया था। तो लगातार उन्नाव पुलिस निशाने पर है और जिस तरह से विपक्ष बयान दे रहा है, आपको बता दें कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 11 महीने में 90 संगीन रेप के मामले सिर्फ उन्नाव जिले में दर्ज हुए हैं और इससे साफ जाहिर है कि जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है वह कितनी खराब है और लगातार जघन्य अपराधों के मामले बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पुलिस जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है और प्रदेश के कई स्थानों पर अभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वे प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर है विपक्ष इस पूरी मामले को लेकर सरकार को घेरना चाहता है कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर और इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों ही सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री कोई भी बीजेपी के नेता यहाँ पर और परिवार वाले इसको लेकर भी काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार जैसा कि कहती है कि वह संवेदनशील है ऐसी घटनाओं को लेकर तो क्यों नहीं सरकार का कोई मंत्री यहां आकर उनसे मिले और यह आश्वासन दे कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि यहां पर कोई आएगा भी कि नहीं और लगातार जो लोग हैं उनमें रोष बढ़ता जा रहा है सरकार के खिलाफ। बिल्कुल लगातार रोष है और अब वो रोष अपनी जगह पे जायज भी है। जिस सरकार में जिस सरकार के अधीन जिस सिस्टम के अधीन ये सब कुछ हुआ है वहां का अगर कोई मंत्री वहां का अगर कोई नेता इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी इतनी जहमत नहीं उठाता कि वो परिवार से आकर के मिले, इससे समझा जा सकता है कि क्या सोच है सरकार की और आगे वो क्या कर रही है। ये अलग बात है कि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है इस पूरे मामले को एक मुद्दे के तौर पर उठा रही है। लखनऊ में जिस तरह से हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एक तरफ बीजेपी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव वो समाजवादी पार्टी के नेता वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस पूरे मामले में एक तरह से लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं तमाम ये राजनीतिक पार्टियां, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो तकलीफ है वो दर्द है।